हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों, मैं कटर के ऊपर टेप को क्यों लगा रही हूँ या मैं इस तरीके से प्याज को मैं पेपर में क्यों लगा रही हूँ, तो दोस्तों इस तरीके से जब आप प्याज को काटेंगे, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5-5 किलो प्याज आप काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके आँखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएगा। बहुत ईजी, मैं बहुत ही आसान तरीका सेफ्टी पिन की हेल्प से बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहला टिप मेरा इस तरीके से कटर को लेके। अब देखिए, ये कटर मैं टिप बनाने जा रही थी, मेरा ये कटर गया है टूट। अब कटर टूट गया है तो मेरा काम अधूरा ही रहता है। तो देखिए, मैंने सोचा कि क्यों ना ये कटर तो टूट गया, इसका हैंडल मैं क्यों ना इसको अपने काम के लिए बनाऊं और कामयाब भी बना लूं। तो देखिए, मुझे एक पतली सी पट्टी, इस तरीके कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह ले लेना। अब इस तरीके से लेने के बाद थोड़ी सी पतली सी पट्टी काट लेना है। अब आप देखें, कोई सा भी इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड पेपर ले लेना है, जो भी समझ में आना है। तो इस तरीके से मैंने ले लेना है। दोस्तों, ये कटर मेरा काफ़ी अच्छा, अभी नया ही था, बच्चों ने इसको तोड़ दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ठीक करके अपने कटर को यूज करा जाए। तो देखिए, पतली सी पट्टी मुझे सिर पर चाहिए फिलहाल, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। तो अब ये जो मैंने कटर लिया हुआ है, एक कटर के ऊपर ही ये जो मैंने पट्टी काटा हुआ है, इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको मुझे रोल बना लेना है, थोड़ा सा इसको हार्ड कर लेना है, जिसकी हैंडल नहीं होता है चाकू का, बस इसी तरीके से मुझे इतने ही बस करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको लगाने के बाद ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए, इसके ऊपर मैं टेप लगा लेती हूँ। टेप जब दोस्तों लगा लेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो चलिए, मैं इसको टेप लगा लेती हूँ और टेप लगाने के बाद मैं बताऊँगी कि इस कटर का मैं कैसे और कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ। जी हाँ बिल्कुल, कि जैसे कि मैं पहले भी इस्तेमाल करती थी, बिल्कुल वही ट्रिक इसमें ट्राई करना है। तो चलिए, मैंने इसमें टेप को लगा लिया है जितना मुझे ज़रूरत था। अभी मेरा कटर बिल्कुल पहले जैसे ओके हो चुका है। जी हाँ, अब देखिए, ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हमारा कटर बिल्कुल फेंकने लायक नहीं है, तो चलिए मैं इसको बताती हूँ। दोस्तों हम सभी के घर में इस तरीके की बोतलें रहती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की रहती है, जो उसके साथ आपने देखा होगा कैप तो आती हैं, लेकिन ये जो कैप होता है, हम इसको कबाड़ समझ के फेंक ही देते हैं, तो कैप को इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों, आज हम कैप को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, बिल्कुल आधा से आधा इंच के लगभग मुझे इसको कटिंग करना है, और दोनों तरफ से मुझे इसको कटिंग कर लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहेंगे। तो बहुत ईजी और बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा कट जाता है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल जैसे कि मैं कटर से काटती थी ना पहले, जैसे कि इसमें हैंडल था, बिल्कुल वही प्रोसेस बिल्कुल इसमें ट्राई करना है। अब आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये मेरा परफेक्ट हो चुका है, जैसा मुझे चाहिए था। तो दोस्तों, ये मेरा कटर हो चुका है बिल्कुल ठीक। तो मैं इसको हमेशा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, फेंकने वाली थी तो मैंने इसको फेंका नहीं। तो क्यों ना दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें से काम हमारा जब आसान हो जाता है, तो क्यों ना हम दिमाग लगाएं, तो हमारा बहुत सारे काम अच्छे भी हो जाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने टेप ले लिया है, डबल टेप या ग्लू है तो ग्लू भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं डबल टेप लगाने के बाद मैं आगे की भी प्रोसेस बताऊँगी रिव्यूज की, मुझे इसको क्या करना है और कैसे। तो चलिए, मैं इसको जो ढक्कन है ना, मैं इसको दीवार पे इसको कहीं भी हैंग कर देना, मतलब अटैच कर देना, जैसे कि मैं अपने बोर्ड के पास इसको अटैच कर देती हूँ। दोस्तों, मैं अपने बोर्ड के पास आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक है मेरा इस तरीके से बोर्ड को लेके। जब भी दोस्तों हम मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो आपने देखा होगा चार्ज हो जाता है मोबाइल, हम चार्ज मोबाइल को निकाल के और चार्जर को हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। हमारे घर में जब छोटे बच्चे रहते हैं, उनको इतना भी नहीं पता रहता है कि हम मोबाइल के चार्जर को मुंह में डाल रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, यहाँ से बटन ऑन रहता है और ऑन बटन से इसमें करंट भी आ सकता है। तो देखिए, जो मैंने काटा हुआ है, अब इसमें जब भी दोस्तों आप मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो इसमें हैंग कर देना है। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम बोर्ड के ऊपर ही रख देते हैं, या चार्जर के ऊपर, हम चार्जर के ऊपर रख के कुछ काम करने लगते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, जैसे हम आए पता लगा मोबाइल गिर गया, डिस्प्ले चला गया। डिस्प्ले चला जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है कितना महंगा डिस्प्ले। अब पहली बात तो पहले जैसी बात भी नहीं आती है। तो सबसे पहले चार्जर के पास से आपको होल्डर के जो चार्जर का जो लीड होता है, इसको निकाल लेना है ऊपर से चार्जर के पास से, और वहाँ से एक पन्नी को होल्ड कर लेना, डाल लेना इसको। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि इस मोबाइल को चाहे आप सुबह से शाम तक हैंग करके रखिए, तो आप देखेंगे कि मोबाइल चार्ज होता रहेगा, लेकिन आपका मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। तो है ना दोस्तों, बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीका है।
अब दोस्तों अगला टिप है मेरा इस तरीके से प्याज को। दोस्तों जब इस तरीके से प्याज हम ज़्यादा क्वांटिटी में घर में ले आते हैं तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हमारा प्याज ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों ये प्याज ख़राब ना हो तो प्याज को लंबे समय तक के रखने के लिए क्या करना है, हम सभी के घर में पेपर रहता है, कॉपी का पेज ले लेना है और पेपर का ही ले लेना है इस तरीके से फाड़ के। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब ये जो प्याज है दोस्तों एक एक प्याज करके आप इस तरीके से पेपर में फोल्ड करके रख दीजिए, जैसे कि इस तरीके से। अब इस तरीके से अब जब आप प्याज रखें तो प्याज आपका महीना नहीं, दो महीना नहीं, चार महीने नहीं, पाँच महीने नहीं, छः महीने तक के बिल्कुल आपका प्याज ओके रहेगा। दोस्तों इस तरीके से प्याज अगर आप पेपर में लिपट के रखेंगे तो छः महीने तक का आपका प्याज बिल्कुल भी नहीं खराब होगा और दोस्तों ये प्याज बिल्कुल लंबे समय तक के चलेगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों प्याज को ही लेके अगली टिप है कि जब भी दोस्तों हम प्याज को काटते हैं छीलते हैं तो आपने देख कि दोस्तों हम प्याज को तो छील भी नहीं पाते हैं, काटना तो बहुत दूर, लेकिन आँख में आंसू पहले आ जाते हैं, आँख में इतनी बुरी तरह प्याज ही लग जाता है ना कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे आँखों में प्याज ना लगे, प्याज हम 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5 किलो हम प्याज इस तरीके से काट सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप प्याज को छीलते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से काट के आपको पेपर के ऊपर रख लेना है। क्यों रखना है अब आप पूछेंगे, तो चलिए मैं इसके लिए भी बता देती हूँ। दोस्तों जो प्याज का छल होता है यानी कि जो पानी होता है, आपने देखा होगा कि जब पानी हम पेपर के ऊपर रखेंगे प्याज को काट के इस तरीके से, जो प्याज का छल यानी कि जो पानी होता है ना वो जल्दी अच्छी तरीके से सोख कर लेगा। जब सोख कर लेगा तो ये हमारा प्याज जब आप काटेंगे ना तो बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक पर बहुत ही काम का है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जितना भी प्याज काटना है आप पेपर पे रख दीजिए। अब देखिए प्याज को हम काट के दिखाते हैं, बहुत ही बारीकी से प्याज काटूंगी। तो चलिए अब देख पा रहे होंगे जितना भी छल पेपर पे देख रहे होंगे कि जितना भी प्याज का जो पानी दिख रहा है बिल्कुल ही सोख कर लिया है। तो इस तरीके से जब प्याज को आप रखेंगे तो पानी पूरा सोख कर लेगा, इसमें पानी जितना भी छल नहीं रहेगा तो आँखों में प्याज नहीं लगेगा। अब देखिए अब मैं काट को भी प्याज के दिखाऊंगी आपको, ऐसा एक तरीका आइडिया बताऊंगी कि इस तरीके से कोई सा भी पिलर ले लेना है। देखिए मेरे पास ये जो पतली लेयर है दोस्तों ज़रूर उतार देना है प्याज का, नहीं तो प्याज आप काट नहीं पाएंगे। तो देखिए जो लेयर है थोड़ा ना दिक्कत होता है, तो मेरा नया प्याज है, पुराना नहीं है। तो अब इस तरीके से चाहे तो आप पिलर के हेल्प से आप ढेर सारे प्याज को काट सकते हैं। देखिए मेरा पुराना पिलर है तो मैं दूसरे पिलर से भी आपको काट के दिखाऊँगी कि जो भी पिलर आपको सही लगे, थोड़ा तेज़ धार अच्छा होना चाहिए, तो बहुत इजी तरीके से आप प्याज को काट सकते हैं। अब देखिए मैंने थोड़ा सा दूसरा पिलर ले लिया है। अब देखिए बिल्कुल बारीकी बारीकी कभी ज़रूरत पड़ जाता है ना प्याज की, तो हम इस तरीके से ढेर सारा प्याज को काट सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीका है और आँखों में बिल्कुल भी प्याज नहीं लगेगा। अब इस तरीके से जब आप काटेंगे तो 1 किलो नहीं 2 किलो नहीं 4 किलो प्याज काट लेंगे। जी हाँ दोस्तों छोटा सा ट्रिक पर बहुत ही काम का है। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए एक जो आधा प्याज था मैंने इसको इस तरीके से, कैसे भी आप इसको पकड़ के, जैसे भी आप टेढ़े मेढ़े आड़ा जैसे भी पकड़ में आए वैसे भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम आलू छीलते बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए तो बहुत इजीली तरीके से आप ढेर सारे प्याज को काट सकते हैं। तब देखिए मैंने कुछ इस तरीके से प्याज को कटिंग किया हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों चलिए मैं ढेर सारा प्याज को काट के दिखाती हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पीलर के हेल्प से इतने सारे प्याज को काट लिया है, तो है ना दोस्तों बहुत ईजी और आसान तरीका है। और दोस्तों मैं अगला भी ट्रिक बताऊँगी कि आप इस तरीके का जो ढक्कन रहता है ना मेडिसिन का ढक्कन होता है दोस्तों एल्युमिनियम के जो ढक्कन होते हैं दोस्तों, इससे हम प्याज देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम प्याज को काटेंगे। अब इस तरीके से प्याज को छील लेना है, काट लेना है, अच्छी तरीके से धुल लेना है। अब देखिए अब चाहे तो बच्चे का खेल, प्याज काटना बच्चों का खेल हो चुका है। अब देखिए कितना बढ़िया, मुझे तो ये ट्रिक अच्छा लगा कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, अब बहुत ईजिली तरीके से आप इस प्याज को काट सकते हैं। अब आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों, जो मेडिसिन के ढक्कन रहते हैं ना हम उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं, अब इसके हेल्प से आप प्याज को बहुत सारे काट सकते हैं। तो दोस्तों 1 से 2 मैंने ट्रिक बताया है आप सभी को, अगर कोई सा भी ट्रिक पसंद आता है प्याज काटने का तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन सा ट्रिक पसंद आया। अब देखिए मैंने एक सारा प्याज बड़ा था, मैंने इसको अच्छी तरीके से एक ढक्कन मेडिसिन के ढक्कन के हेल्प से मैंने इसको कटिंग कर लिया है।
तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ढक्कन एक बहुत ही हेल्पफुल रहता है और ढक्कन को हम फेंक देते हैं। आप देखिए, कोई कहेगा कि मैंने इसको ढक्कन से काटा है, तो बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक भी काट सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काटी हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से प्याज बारीक से बारीक, मोटा से मोटा, देखिए मैंने पीलर से भी काट लिया है और ढक्कन से भी। तो है ना दोस्तों, छोटा सा ट्रिक पर बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, एक पीस मैंने प्याज लिया हुआ है। अब प्याज की जितनी लेयर है ना, मुझे इसको निकाल लेना है। अब निकालने के बाद दोस्तों, अब जो लेयर है, मुझे इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है, मैं आगे भी बताऊंगी वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। अब देखिए, प्याज की जो लेयर है मैंने निकाल लिया। अब आप सोचेंगे कि लेयर को मैंने क्यों निकाला हुआ है, तो इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन के अंदर जितनी भी प्याज की लेयरें मैंने निकाला हुआ है, इसको लगा लेना है। और लगाने के बाद भी मैं बताऊँगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए, इसको मुझे कहीं भी हैंग कर देना है। और हैंग करने के बाद दोस्तों, मैं इसको क्यों हैंग कर रही हूँ, चलिए ये भी बता देती हूँ। हैंग कर देना है अपने किचन में कर दीजिए, या मेन गेट पे कर दीजिए, या जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से। तो इस तरीके से आप हैंग कर देंगे ना, आप देखेंगे आपके घर में छिपकली बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगी। और छिपकली इस प्याज से बिल्कुल दूर रहेगी, दूरियाँ बना के रहेगी। जी हाँ, तो दोस्तों अगला ट्रिक भी मेरा इस तरीके से कोलगेट को लेके है। अब देखिए, ये जो कोलगेट होता है ना, हम सभी के घर में तो रहता ही रहता है, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये ख़त्म हो चुका है, हम क्या करें इसका। दोस्तों ये ख़त्म नहीं होता है, इसमें बहुत सारा कोलगेट रहता है, तो हम इसको खराब समझ के फेंक ही देते हैं। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको कोई चीज़ इस तरीके से कटर ले लेना है, चाकू ले लेना है। तो इससे जब आप प्रेस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत ईजी तरीके से जितना भी ये कोलगेट है ना, ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद बस आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर क्लोथ पिन लगा देना है, या आप जैसे कि बालों का सेफ्टी पिन होता है वो भी लगा देना है। इसके लगाने से अब आप देखेंगे ना कि जितना भी पेस्ट इसमें है सारा इकट्ठा रहेगा। तो इस तरीके से एक से दो आपको इसमें सेफ्टी पिन, आपको मतलब ये जो बालों के पिन होते हैं ना, वही लगा देना है। जी हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से जब आप लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो मंजन है एक ही जगह इकट्ठा भी रहेगा। तो देखिए, मेरा सेफ्टी पिन एक ही था इस तरीके से बालों का, तो निकल चुका है। मैं दोबारा भी लगा दे रही हूँ, तो इसी तरीके से क्लोथ पिन या सेफ्टी पिन आप लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज का ट्रिक पसंद आएगा। ट्रिक पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।